आए दिन सोशल मीडिया पर कई तरीके के वीडियो वायरल होते हैं और कई बार गलत जानकारी के साथ शरारती तत्व माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, जिस पर अब कार्रवाई करने के लिए पुलिस सख्त नजर आ रही है। इसके साथ साथ अफवाहों पर ध्यान न देने का संदेश भी पुलिस पहुंचा रही है। इसको लेकर देहरादून SSP अजय सिंह का कहना है कि कुछ समय से ऐसा देखने में आया है कि किसी धर्म पर आधारित कोई प्रकरण आता है तो लोग धार्मिक रूप से आवेश में आकर प्रतिक्रिया देते हैं। उनसे अपील है कि अगर कोई ऐसा मामला आता है तो पुलिस अपना काम कर रही है और पहले भी जो मामले हुए उस पर तत्काल आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। SSP ने चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी मामले में धार्मिक भावनाओं से खेलने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं और इंटेलिजेंस की टीम नजर बनाए हुए है, ऐसे लोगों के खिलाफ कानून का शिकंजा कसा जाएगा। उत्तराखंड से स्टेट हेड अवनीश जैन की रिपोर्ट। विगत कुछ समय से ऐसा देखने में आया कि कहीं ना कहीं जब विभिन्न समुदाय का हो या विभिन्न धर्म का आधारित कोई प्रकरण आता है तो कहीं ना कहीं लोग धार्मिक रूप से इसमें आवेश में आने की और प्रतिक्रिया ज़्यादा कर रहे हैं। तो इसमें मेरी सभी से अपील है कि ऐसे कोई भी इंडिविजुअल मैटर अगर होते हैं तो उसमें पुलिस अपना काम कर रही है। जिस तरह आपने देखा कि पूर्व में भी एक दो इंसिडेंट हुए थे, तत्काल अभियुक्तों की गिरफ्तारी करना या साक्ष्य संकलन करने के लिए उसमें विभिन्न टीमें तत्काल लगा दी जाती है, तो मैं यही अपील करूंगा कि इसमें संयमित रहें और सही सच्चाई जानने के लिए कम से कम पुलिस को 10 से 15 घंटे लगते हैं और सही तथ्य आने के बाद जो है उसमें सभी के सामने शेयर किया जाता है। लेकिन ये अभी देखा जा रहा है कि कुछ लोग इसमें शरारती तत्व ऐसे उभर रहे हैं जो कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर इसको लोगों को उकसाने का काम करते हैं। आजकल देख रहे हैं कि सोशल मीडिया हो, चाहे उनके अपने पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप या अन्य ग्रुप बने हुए हैं जिस पर वो गलत खबरों का प्रचार प्रसार करते हैं, जिससे आम आदमी को पता नहीं चल पाता कि घटना क्या हुई है और उस आक्रोश में आकर वो कहीं ना कहीं जो है लॉ ऑर्डर की स्थिति उत्पन्न होती है। तो मैं सभी से अपील भी करूँगा, कोई घटना होती है तो उसकी सच्चाई को जानने के लिए थोड़ा वक्त दें और साथ ही साथ ऐसे लोग को चेतावनी भी देता हूँ कि जो छोटे छोटे मैटर में या किसी भी मैटर में पहले बिना सच्चाई जाने जो है धार्मिक भावनाओं से खेलने के लिए कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं या अन्यत्र विभिन्न ग्रुपों में जो सर्कुलेट करते हैं, क्योंकि इसमें हमारी LIU की टीम और इंटेलिजेंस की टीम लगातार इसमें मॉनिटरिंग करती है सोशल मीडिया की, और ऐसे हमारे पास अभी करीब 1 दर्जन ज़्यादा लोग चिन्हित भी हुए हैं जो लगातार इस तरह के क्रियाकलापों में लिप्त हैं। तो इसमें भी निर्देश जारी किए गए हैं कि ऐसे अगर लोग धार्मिक भावनाओं को भड़काएंगे भविष्य में ऐसा कुछ करने की, लॉ ऑर्डर डिस्टर्ब करने की या कुछ आमदा होते हैं, तो नेचुरल सी बात है कानून का शिकंजा उनके ऊपर भी कसा जाएगा।